फिल्म रॉकस्टार में नरगिस फाखरी ने अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया, लेकिन कुछ काम ना आया क्योंकि सारी अप्लॉज और प्रेज रणबीर कपूर को ही मिली। नरगिस फाखरी की एक्टिंग की किसी ने भी तारीफ नहीं की। इतना ही नहीं, लोगों ने और क्रिटिक्स ने तो फिल्म के सुपर सक्सेसफुल ना होने की वजह भी नरगिस फाखरी को ही बताया, और इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि नरगिस का बॉलीवुड करियर खत्म हो गया है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि नरगिस को बॉलीवुड में मिल रहा है और एक चांस, और ये चांस है सबसे बड़ा चांस, क्योंकि इसे दे रहे हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अक्षय ने अपनी होम प्रोडक्शन खिलाड़ी 786 के लिए अपने ऑपोजिट नरगिस फाखरी को साइन कर दिया है, और नरगिस भी अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर है काफी एक्साइटेड। सोर्सेस की माने तो नरगिस ने इसके लिए एक्टिंग वर्कशॉप भी शुरू कर दी है। वेल, बता दें कि इस फिल्म के लिए नरगिस से पहले आइलीना डक्रूज का नाम आ रहा था, लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट नरगिस को ही मिला। वी वंडर कि अक्षय को नरगिस में क्या नजर आया, क्योंकि ऑडियंस को तो उनमें सिर्फ खूबसूरती के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय का ये डिसीजन उनकी फिल्म पर कैसा असर डालता है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई।